आपको अपने कोई शिक्षक याद हैं? याद है सर। उनके बारे में बताइए। हाँ जी सर, हमारे सर जब मैं क्लास 8वीं में पढ़ता था उस समय हमारे HM थे संपाल जी जोशी। तो सर मैं शुरू से ही कक्षा में प्रथम आता था, तो मैंने सर 8वीं पास कर ली। उसके बाद में मुझे मोटिवेट किया कि आप साइंस ले लो, फिर मैंने सर वो साइंस ली। उसके बाद में सर मैंने ग्रामीण प्रतिभा की परीक्षा दी थी, तो उसमें मेरा चयन हो गया। फिर मैं जाने के लिए तैयार नहीं हुआ सर, उदयपुर जाना था मुझे 10वीं के बाद में। फिर उन्होंने मुझे घर आकर के मोटिवेट किया कि आप मेरी बात मानो और आप चले जाओ। तो सर मैं उनकी बात मान ली, मैं उदयपुर चला गया। फिर सीनियर वहाँ से की, उसके बाद में सर मेरे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ साइंस के अंदर। तो वो मुझे आज भी याद आती है सर। सर हमारा विद्यालय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है। तो सन 2005 में मेरी नियुक्ति हुई थी, उस समय ये प्राथमिक स्कूल था। तो उस समय केवल प्रार्थना होती थी और प्रतिज्ञा होती थी, उसके अलावा प्रार्थना सभा में कोई कार्यक्रम नहीं होते थे। तो मैंने धीरे धीरे जाकर के प्रार्थना सभा का अवलोकन किया, फिर देखा कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। तो हमने स्टाफ से मिल करके फिर चर्चा की, निवेदन भी किया, और उसके अंदर समाचार पत्र वाचन वगैरह है, हिंदी की कहानियाँ हैं, अंग्रेजी की कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कविता है, इनको हमने ऐड किया। फिर धीरे धीरे बच्चों को आगे बुलाया, अभ्यास करते करते फिर 6-7 महीने में बिल्कुल सीख गए वो, और आगे आकर के अपने आप बोलने लगे। सर एक तो इनकी झिझक दूर हो गई, जो बालक आगे आने में हिचकिचाते थे वो आगे आने लगे और झिझक मिट के बोलने लगे आगे आकर, अभिव्यक्ति कौशल का विकास हुआ। एक और आप एक चीज़ का और आपने जिक्र किया है, जिसमें शनिवार ये कार्यक्रम जो शायद सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से होता है उसको भी आपने एक विशेष अपने प्रयास के रूप में दर्ज किया है कि वहाँ उसका आपने उपयोग किया, उसमें आपने किस तरह की चीज़ें की? सर पहले तो होता ही नहीं था हमारे प्राइमरी स्कूल में, तो शनिवार होता ही नहीं था। उसके बाद में जब मिडिल हुआ उसके बाद में शुरू किया, तो हमने इसके अंदर अंत्याक्षरी वगैरह है या वो इंग्लिश वर्ड वगैरह है उनके मीनिंग याद करवाना है, बाल कविताएँ हैं, अंत्याक्षरी प्रतियोगिताएँ, ये हमने करवाई जी। अच्छा, आपके स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था तो होगी ही? होगी है सर। वो उसके लिए क्या कैसे करते हैं आप? सर उसके लिए 3 तो हमारे वहाँ रसोई नियुक्त किए गए हैं जी, और 2 कोषार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक श्री दिनेश जी हैं, और कक्षा 6 से 8 तक श्री सुरेश जी हैं, ये दोनों संचालन करते हैं। उसके अलावा हमारे विद्यालय की छात्र संसद का गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह है, शिक्षा मंत्री है, सफाई मंत्री है, कोषार प्रभारी है, या जो भी है वो सब व्यवस्था कर रखी है, तो वो संचालन करती है। ये संसद क्या काम करती है? सर संचालन जैसे कोषार की व्यवस्था के अंदर थालियाँ वगैरह बांटना है, स्कूल के अंदर साफ सफाई करवानी है, छात्रों को व्यवस्थित रूप से लाइन बनवानी है। सर अभिभावकों से संपर्क के लिए सर नामांकन अभियान चलता है, उस समय हम डोर टू डोर जाते हैं और उनको समझाते हैं, फिर एडमिशन करवाते हैं। उसके अलावा जब पोलियो की ड्यूटी वगैरह लगती है उसमें भी हम संपर्क करते हैं। उसके अलावा उनके कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं सर, या मेले वगैरह होते हैं, उनमें हम जाते हैं। फिर 26 जनवरी वगैरह आती है, 15 अगस्त आते हैं, या फंक्शन विद्यालय में होता है, उस समय हम अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं और उनसे संपर्क करते हैं।